क्या बात है, जिंदाबाद रे। जोरदार ताली बजाना यार इस म्यूजिक ग्रुप वास्ते यार, म्यूजिशियन परिवार वास्ते ताली होनी चाहिए बड़ी खूबसूरत। तो एसपी साहब यार एक माइक और दे देना, चेक करके यार। मैं नहीं है बच्चे, दोनों भी नहीं है। हाँ मिल जाएंगे जिन्हें मर्जी बच्चे ले। महारानी के दरबार दिया उन्हें कंजका देवियां के दरबार बेखूबी हाजिर लगवाइए। एस पी भाजी कोर्स दो दे दो पिछे। तो साढ़े पब जी भी आए ने, रेणू कश्यप जी, मैं नमस्तक होंगे आई, इन्होंने भी बहुत बहुत धनवादी हाँ। तो मेरी गुजारिश है मेरे वीर के जो पिछे खड़े ने, वीर जी मैं बार बार नहीं कहना थानू, मैं तुहानू फिर लास्ट बारी कह रहा, हले हले हले। तो मेरी द्वारा तो बेनती है जेडे वीर रस्ते विच खड़े ने अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाओ, और जेडे वीर इधर साड़ी माता भैन वाली साइड के ने उन्होंने अगर बेनती है को साइड तो राइट साइड पर आ जाओ। तो चंद मिनटों के महामाई का गुणगान शुरू होने जा रहा है। तो मैं धनवादी हाँ शिव दुर्गा मंदिर गाम दूतमा के जिन्हें भी प्रबंधक वीर ने, तो आओ उस महारानी के दरबार सब तो पहले गणपति गौरी पुत्र गणेश जी के पावन चरणों की हाजरियां लगन गया। मना ला दे यार टाइम काफ़ी हो गया पिछे दोनों ये सिंगल लगा हुआ है ना। तो आओ उस महारानी के दरबार की हाजरियां लगवाइए बड़ी बेखूबी। हेलो हेलो भैया, ये वाली जो लाइट है और ये पीली वाली जो लाइट है, ये दोनों पब्लिक की तरफ घुमा दो या महारानी के दरबार की तरफ घुमा दो, क्योंकि एक तो हमारी आंखों में पड़ रही है और दूसरा हमें आप सभी भक्त नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारी तरफ इतनी होगी है कि हमें बस उसकी रोशनी दिख रही है। तो कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि इन दोनों लाइटों को पब्लिक की तरफ और महारानी के दरबार की तरफ घुमा दो। Hello.
बोलो। हमने महारानी का नाम तीन बार लिया और श्री श्याम का नाम तीन बार लिया, क्यों? क्योंकि तीन लोक हैं और तीनों लोकों की प्रिय तीन देवियां, जिनका नाम माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, जिनकी कृपा से ये ब्रह्मांड चल रहा है, उनका जयकारा हो। जयकारा कंजिका देवी को एक बार सीधे सीधे हाथ उठा के ताली बजा के बोलेंगे, बोलिए कंजिका देवी की, कंजिका देवी की। पीछे तक हाथ उठने चाहिए, कंजिका रानी की जय हो। और एक बार हमारी माता बहने भी एक बार जयकारा लगा दे, हमें भी पता चलता है कि उनकी तरफ हमारी आवाज आ रही है। मैं कहीं भी जागरण कीर्तन करता हूँ तो सबसे पहले गणपति गणेश महाराज जी को बुलाता हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरा ये कीर्तन अधूरा है। आइए पांच दस मिनट में अपने Yeah.
माता सरस्वती विराजमान है, पर कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग यानी कि किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला बोलना। पर आज सही मायने में महारानी के इस भव्य जागरण में इस कंठ का उपयोग होने वाला है।
खत्म होता है साहब। करो श्री जो मूल मंत्र श्री नारद जी ने माता पार्वती जी को दिया था, वो मूल मंत्र कोई भी इंसान चाहे एक बार भी बोल लेगा ना, उसके सारे काम बन जाएंगे। बाला जी बैठ जाओ। कौन कौन भोले बाबा का नाम लेगा, कौन कौन भोले बाबा का भक्त है, जरा हाथ खड़े हो जाए, जरा ताली बजे, क्योंकि अब भोले बाबा को पसंद करने की बात आई है। जरा मिलकर समझो, आज आपने अपनी लॉटरी की टिकट लगाई है, अब इनाम भी इसी लॉटरी में इसी कीर्तन में निकलेगा। अभी जब तक कीर्तन है ना, तो कोई उठ के मत जाना, क्योंकि हाजिरी लगेगी और फल भी तभी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। Yeah.
कि हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर, कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। कौन कौन कहता है, सीधे सीधे हाथ उठा के बताओ, जो जो कहता है कि हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। तो शुक्र मनाया करो उस माँ का जिसने इस सनातन धर्म की रक्षा की। सब अगर माँ ने शुभ निशुभ मधु कैटलब जैसे दानव ना मारे होते ना, तो आज हम और हमारा पूरा परिवार इतनी खुशहाल जिंदगी ना जी। अगर माँ ने हमें जिंदगी दी है ना, तो शुक्रिया अदा किया करो माँ का, क्योंकि माँ ने इन दानवों को मार के हम सबको जीवन दिया है। पूरे भारत में माँ की ज्योत जलती है, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, जम्मू में माँ वैष्णो देवी, वेस्ट बंगाल में माँ दुर्गा, साउथ में माँ काली और पंजाब में माँ भद्रकाली, पूरे भारत में माँ की ज्योत जलती है। अकेला सनातन धर्म है जो पत्थरों को पूजता है, नदियों को पूजता है, पर्वतों को पूजता है, जानवरों को पूजता है, धाराओं को पूजता है। और सनातन धर्म की बड़ी बात, जब बड़े बुजुर्ग धरती छोड़ के चले जाते हैं वो तारा बन जाते हैं, हम हर वक्त में तारे को भी पूजते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म पत्थरों को पूजता है, क्या करें साहब, हमारे तो भगवान ही पत्थरों में बसे हैं। राम सेतु का निर्माण हुआ पत्थरों के ऊपर, राम राम लिखकर हुआ। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक वर्तन महाराज को उठा के रखा क्योंकि वृंदावन वासी बच पाए, वो भी पर्वत है। हम तो अपने सनातन धर्म को पूजेंगे, पर सनातन धर्म की रक्षा करने वाली मेरी माँ दुर्गा है। कौन कौन सनातन धर्म की माँ को प्रसन्न करेगा, जरा हाथ उठ जाए, जरा काली माँ के लिए हाथ उठ जाए, जरा ताली बजे मिलकर। सबकी हाजिरी लग जाएगी, जरा हाथ उठे, जरा ताली बजे मिलकर। पीछे भी सिरे से हाथ उठा के ताली बजा के सारे बोलो जय माता दी, ऊंची बोलो जय माता दी, देख बोलो जय माता दी, आले वाली जय माता दी, आपड़े वाली जय माता दी, मुंह वाली जय माता दी, बोल वाली जय माता दी, माता सुंदरी जय माता दी, माता देवी जय माता दी, माता देवी जय माता दी, योग माया जय माता दी, माता सुंदरी जय माता दी, सबोंडी जय माता दी, हम भगवान यदुकुल, भगवान श्री कृष्ण को हम यादव कुल से यादव, हम उनको मनाएंगे, अपने मित्रों
मनाएंगे, अब अपने मित्रों को मनाना मिलकर। सारी रात चलना है, आराम ना बैठ के अपनी अपनी हाजिर गवानी है। लाइन बना लो मेरे वीर, ए मुलाजिम वीर के भी बेनती है थोड़ी जी, जरा रश है पैया ना, इनू भी थोड़ा जहा घटाओ, इन्हों को लाइन बना लो, लाइन च आओ। और जो पंडाल च खड़े ने भी बैठ जाओ मेरे वीर, अजे तो शुरुआत हुई है, अजे कीर्तन शुरू ही होया, बहुत रात है, कृपा करके बैठ जाओ। तो आओ उस तरह ही ये नन्नी मुन्नी जोड़ी महाराणी के दरबार के अपनी बखूबी हाजिर लगा रही है। आइए
Oh,
बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, दिल के बोलो, बोल दी जाओ हो वैष्णो देवी मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं। हाजरी लग रही है महामाई के दरबार च।
तो आओ। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया आ गया। तो आओ खूबसूरत हाजिरी उस देवियों के दरबार दी, तो बड़ी प्यारी जी हाजिरी के नाल लैके हाजिर है जदवंशी ब्रदर खूबसूरत हाजिरी है। वीरे फड़ाइए बाबा जी, फड़े फड़े फड़े। माता रानी हमारे बड़े भैया महेंद्र सोनी को सदा सुखी रखे और उनके परिवार पे चढ़ के अपना बोले सच्चे दरबार की जय हो। कौन कौन सुनना चाहता है बोले बाबा का भजन जय हो। I'm not afraid of the dark.
मां की चुन्नी होंगी जिदी छा च आप बैठी होंगे तो अगर वो चुन्नी हैगी है तो ही नजारे लगे हुए हैं जरा ताली बजे मिलकर नजारे नजारे सितारे पैसे कितों मिलने पैसे तो जानते ही पर मैनू सी कि महारानी साडा भी कोई ना हो भी गाँदा सी मैंने तो गली तो बाहर नहीं कोई जान सकिया पर कुछ इन्हें तो ऐसी कृपा करी कि पूरी दुनिया से तेरा गुणगान करे तो महारानी ने सच जाने पहला जागरण जिला गुरदासपुर से फड़िया नहीं तो असं अपने लोकल जागरण नहीं फड़ते दुनिया को पता नहीं असं कितने रहने हैं लोग कोई कहता वृंदावन रेंदे कोई कहता दिल्ली रेंदे अभी दसिया ही नहीं कभी असं पूरी दुनिया च कीर्तन करते हैं बॉम्बे तक कीर्तन किया कैनेडा भी जाने वाले असं गल नहीं बनी तो जो भी कुछ किया महाराणी ने किया एक यह दरबार है जितों हर किसी की गल बनती है लोग कहते खाटू जी का प्रोग्राम करते हैं तो बाबा ने भी खाटू श्याम जी ने महाराणी की पड़ती की माँ ने तीन बाण दिते तो महा बाबा का नाम पिया तीन बाण धारी की Thank you.
महारानी ने दिता। जे सुख मिले ते खुश ना हो, जे दुख मिले ते दुखी ना हो, ये सब कुछ महारानी दी देन। का भुखे सोण वाले दादी, भुखे सोण वाले दादी, आज रजे होए ने भुखे सोण वाले दादी। जे वो चढ़ाई दिंदी है तो गुमान ना करो, क्योंकि उतारना भी है।
ਮਗਰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ
मॉनिटर भी बंद होने लगे। अब चुन्नी भगत ने देख ली, तब पंडित को जाके भगत क्या कह रहा है पता क्या कह रहा है? हो चुन्नी लड़ी है जी, हो चुन्नी लड़ी लड़के गा रहे तुम आवाज सुन रहे होने हो ऐदा का चप्पू पंजाब की वाजदा जदा का उपजाऊ जोरदार ताली बिठा दे जोरदार ज्यादा तो आओ खूबसूरत हाजिर पाई उस महारानी के दरबार च साडे शमी प्रजान जी उन्होंने प्रबंधगी सारे छोटे छोटे तो लैके बड़े बड़े जिले वीर है काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा धनवादी है शमी जी महाराणी थोड़े इन्नी कृपा करे दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की करो आ ग्रुप जो मार्शल है क्या बात है किन्ने किन्ने सुंदर लग रहे हैं महाराणी के तिलक लगे ने दूरों पता लगता है कि ये देवियों के दरबार तो आए हैं तो आओ उस महारानी के दरबार दी हाजरियां लवाइए लेके हाजरे साढ़े जुगवंशी ब्रदर
बहुत ही खूबसूरत ये नन्ही जी आवाज महारानी के दरबार की हाजरी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। अच्छा, हम हमारे भैया भी कह रहे हैं, काफी मंडल के सदस्य कह रहे हैं कि मेला मेला कंजका देंगे एक बार हो जाए, तो अभी एक बाबा शाम का भजन गाले, उसके बाद महारानी के चरणों में हाजिर, क्योंकि जहाँ पर महारानी का दरबार लगता है वहाँ पर बाबा श्याम को बुलाना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने आपको बताया जो तीन बाण प्राप्त किए हैं वो माँ दुर्गा की कृपा से ही किए हैं, और बाबा कलयुग के राजा हैं और वो हर कीर्तन में आते हैं, और अगर माँ के जागरण में माँ के बेटे को ना बुलाया जाए ना तो कीर्तन अधूरा सा लगता है, तो इस कीर्तन को अधूरा तो रहने देंगे नहीं। वैसे भी हमारी महारानी कंजका देवी आ चुकी है दरबार में, तो एक बार जिकारा लगाते हुए बोलेंगे, बोलिए कंजका देवी की जय हो। हमारे पीछे भाई भी हाथ उठाए, बोलिए कंजका देवी दी जय हो। जब जिकारा लगाते हैं हाथ उठाया करो, पता लगता है पीछे वालों तक भी आवाज आ रही है, बाद में मुझे लगता है कि आवाज ही नहीं आ रही। आइए अब यहाँ से, अच्छा खाटू किस किसने जाना है, हाथ उठा दो, सभी ने जाना है, हमारे अपने काम बनाने वो खाटू जाएगा, किस किसने जाना है, जरा हाथ सभी उठाए मिलकर जय हो। हमारे मंडलवासी एक ट्रेन लेके जा रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं खाटू के लिए भाव वाले, अब उसमें कौन कौन बैठना चाहेगा, जिसने सच्चा भाव लगाया समझो उसकी दरबार में हाजिरी पक्की है, एक दो महीने में वो खाटू जाएगा, पक्की बात है, चाहे लिख के ले लो, खाटू जाओगे, आओ अब भाव में लेके चलते हैं, जरा ताली साथ में बजे मिलकर, गड्डी जल्दी छलांगा मार दी गड्डी जांदी है छलांगा मारती मैनू याद आवे मेरे शाम दी, गड्डी जांदी है छलांगा मारती मैनू याद आवे मेरे शाम दी, गड्डी जांदी है छलांगा मारती मैनू याद आवे मेरे शाम दी, गड्डी जांदी है छलांगा मारती मैनू याद आवे मेरे शाम दी। ओ मेरा खाटू वाला शाम रंदा नीले दे सवार, मेरा खाटू वाला शाम रंदा नीले दे
वो बिगड़ी बनाता है और भागी जगाता है। वो सपने में आता है और सपने से जाता है। वो सपने में आता है और सपने से जाता है।
के दानी की बाकियां से पता नहीं पर तेरे भाग खुल गए ने इतने जिन्हिया भी देविया बैठी ने ना शारण ने तेनों आशीर्वाद मिले अज तेरे भाग खुल गए बाकियां का मैनू पता नहीं पर तेरे भाग खुल गए अज जोरदार ताली बजा दे हो और जय माता दी जेडे पिछे संगत बैठी है जोरदार ताली बजा के जय माता दी कह दे एक बार यारा बोलिए सच्चे दरबार की मां के प्यार की ए सच्चे दरबार की तो जो सच्चा दरबार आवाज क्यों नहीं आती आवाज आनी चाहिए जोरदार थोड़ी तो आओ उन्होंने देविया के नाम की एक हाजरी बचे उन्होंने देविया के नाम की एक हाजरी लगा दी है उस तो बाद फिर बोलिए कंजका देवी की देखो आज जैसे आज ये जागरण नहीं आज माँ कंजका देवी का मेला है तो एक बार फिर से बोलिए बोलिए कंजका देवी की जय हो। अब जो मन सुनाने वाले हैं ना मंडल वाले जरूर नाचे क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा कीर्तन करवाया है उनका नाचना बहुत जरूरी है। Thank you.
कुछ साइकिल दे भी आते ने।
बोलिए सांचे दरबार की जय हो। हाँ जी, तो धनवादियाँ अडे सन्नी जी उन्होंने सारे प्रधान जी के ग्रुप का। थोड़ी देर तो बाद साढ़े DSP सुरेश कक्कड़ जी वो भी आ रहे हैं, चंद मिनटों के पहुँच गए ने। महामाई कृपा करे, वो हर साल क्या बात है दरबार से पहुँच गए नहीं, तो हर साल वो भी इन्होंने बच्चों आशीर्वाद देते हैं। हाँ जी, एक वंदना तो बाद हाकी टाइम की हो गया बस ठीक है जी, एक हाजरी तो बाद फिर उन्होंने म्यूजिशियन परिवार मंगा लो जब तक वो तो आओ एक दो हाजरी बस उस तो बाद फिर वर्षा जमाल जी जम्मू वाले क्योंकि वो देवियां का दरबार दे पता कि देवियां कि खुश करना, तो एक दो हाजरी तो बाद उन्होंने असं बुलावे जयकारा करके देवियां दा बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ बस 5-10 मिनट ली देवी हो शमा दे जा चुका, उस तो बाद फिर मेरी माता दे दरबार कंजक खेड दियाँ खेडन बारों बार कंजक खेड दियाँ फिर प्यारी प्यारी हाजरी लगनगे तुहाडे दरबार दियाँ सिर तुहाडे वल ही आ रहे हैं बस थोड़ी देर चे, तो आओ खूबसूरत हाजरी है एक दो हाजरी तो बाद फिर वर्षा जमाल जी मैया
अभी हम छोटे से बालक हैं और महारानी का गुणगान कर रहे हैं।
महारानी ने जैसी सद्बुद्धि बख्शी है वैसे गा रहे हैं, अगर हमसे कोई भी त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करना। जय माता दी, जय शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। और मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय माता, जय माता। जिन्हें भी मुख्य मेहमान ने साडे जोवन बसी जी दुसुआ वाले, दविंदर काली जी कानोवान वाले, विक्रम जी दुसुआ वाले, पंकज देवेसर अमृतसर वाले, रजिंदर राजिंदर सहदेव अमृतसर वाले, सौरभ गुप्ता जी पठानकोट वाले, संतोख गिल डेरा ब्यास वाले, रवि धुन्ना जी अमृतसर वाले, रजत अमृतसर वाले, विशाल जी अमृतसर वाले, अर्जुन जी अमृतसर वाले, बलविंदर शर्मा जी कत्थू नंगल वाले, हरजिंदर सरीन कत्थू नंगल वाले, तरुणपुरी जी पठानकोट वाले, राज शर्मा जी पठानकोट वाले, अश्विनी महाजन जी पठानकोट वाले, महाजन साहब दसुगा जी साढ़े बंटी सोनू सोनी अमृतसर वाले, रमन शर्मा जी गुरदासपुर वाले, जगजीवन गुरदासपुर वाले, नवीन भला जी गुरदासपुर वाले, टीटू प्रधान जी गुरदासपुर वाले, और हरविंदर सोनी जी शिवशाना प्रधान गुरदासपुर वाले, और साढ़े आर्मी मान जो